नमस्कार दोस्तों, मनोजीव चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। रेइंफोर्समेंट स्टील बेडी का सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है। ये रेइंफोर्समेंट स्टील का क्वांटिटी निकालने के लिए बार बेडिंग शेड्यूल बनाया जाता है और इसका क्वांटिटी मेजर करने के लिए स्टील का यूनिट रेट केजी पर मीटर मालूम होना बहुत ही जरूरी है। तो वो स्टील का यूनिट वेट निकालने का एक सिंपल फार्मूला है, डी स्क्वायर बाय 162। डी मतलब डायमीटर ऑफ स्टील बार इन मिलीमीटर्स। तो ये डी स्क्वायर बाय 162 फार्मूला कैसे दे रहा हुआ, इसके बारे में हम आज जानेंगे। यूनिट वेट ऑफ स्टील इज डी स्क्वायर बाय 162। अब ये फार्मूला कैसे दे रहा हुआ, इसके बारे में हम आज जानेंगे। यूनिट वेट ऑफ स्टील क्या है? यूनिट वेट ऑफ स्टील इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेट ऑफ स्टील टू वॉल्यूम ऑफ स्टील। अभी यूनिट वेट ऑफ स्टील इज अराउंड 7850 केजी पर एम क्यूब और 78.5 किलोमीटर पर एम क्यूब। अभी यूनिट वेट ऑफ स्टील ग्राम पर सी एम क्यूब में मेजर करना है तो 7.85 ग्राम पर सी एम क्यूब, किलोमीटर पर मीटर क्यूब में मेजर करना है तो 78.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब में मेजर करना है तो 7850 केजी पर मीटर क्यूब। अभी ये जो फॉर्मूला है डी स्क्वायर बाय 162, ये स्टील का यूनिट वेट कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये हम जानेंगे। स्टील वेट फॉर्मूला यूनिट डी स्क्वायर बाय 162, ये कितना आएगा, केजी पर मीटर। अभी हम देखेंगे वेट, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वेट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ स्टील इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्टील। वेट जैसे अपने को फॉर्मूला मालूम है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू डेंसिटी। ये पाई जो बोलते हैं हम इसको, इसका वैल्यू है 3.14, या इसको ब्रैकेट में हम 22/7 भी बोल सकते हैं। इसमें डी है डायमीटर ऑफ स्टील इन मिलीमीटर, स्मॉल डी है डेंसिटी ऑफ स्टील, दैट इज 7850 केजी पर एम क्यूब। वेट है, वेट ऑफ स्टील इन केजी, और एल है लेंथ ऑफ स्टील इन मीटर। यहां हम एक मीटर कंसिडर करेंगे। अभी ये स्टील का डायमीटर तो मिलीमीटर में है, तो इसलिए लेंथ को हमको एक मीटर का मिलीमीटर में कंसिडर करना है, कन्वर्ट करना है। तो लेंथ इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। वन डिवाइडेड बाय 1000 मीटर और 1000 मिलीमीटर। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुटअप करेंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू 3.14 इंटू डी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट
divided by 4 into 1000 into 1000 into 1 into 7850 kg per meter. तो ये W आता है अपना डी स्क्वायर इंटू 26649 डिवाइडेड बाय 400000 केजी पर मीटर. तो दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. W इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.006162 केजी पर मीटर. तो 1 डिवाइडेड बाय 0.006162 इज इक्वल टू 162.2. तो उसको राउंड ऑफ करके 162 आता है. तो वेट इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 162 केजी पर मीटर. तो दोस्तों ये फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, डी स्क्वायर बाय 162. अभी सबसे पहले वेट हमने निकाला, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वेट का फॉर्मूला पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू डेंसिटी. तो पाई मीन्स 3.14 और 22/7. डायमीटर डी, डायमीटर ऑफ स्टील इन मिलीमीटर. स्मॉल डी, डेंसिटी ऑफ स्टील, दैट इज 7850 केजी पर एम क्यू. वेट डब्ल्यू, वेट ऑफ स्टील इन केजी. लेंथ ऑफ स्टील इज इन 1 मीटर. जैसे कि हमको लेंथ मिलीमीटर में निकालना है, तो लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. तो फॉर्मूला देखेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3.14 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1000 इंटू 1000. लेंथ हमने 1000 मिलीमीटर लिया है, इंटू 1 इंटू डेंसिटी 7850 के जी पर मीटर. इस फॉर्मूला आगे डब्ल्यू इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू 26649 डिवाइडेड बाई 4000 के जी पर मीटर. तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू 0.006162. ये दिस वैल्यू कैन बी रिटर्न, ये वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 1 डिवाइडेड बाई 0.006162 के जी पर मीटर. दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 0.006162 इज इक्वल टू 162.2. तो दैट इज राउंड ऑफ 162. तो वेट इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 162 के जी पर मीटर. अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. यूनिट वेट ऑफ 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm स्टील का 1 मीटर लेंथ के लिए. यूनिट वेट ऑफ 8 mm स्टील बार फॉर 1 मीटर लेंथ, दैट इज वेट इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 162. डी स्क्वायर मीन्स 8 × 8, 1 मीटर लेंथ, इट इज इंटू 1 डिवाइडेड बाय 162. तो ये फॉर्मूला यूज़ किया, तो इज इक्वल टू वैल्यू कितना आया, 0.395 के जी पर मीटर. सेम फार्मूला 10 mm के लिए, दैट इज 10 × 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 162, दैट इज 0.617 के जी पर मीटर. तो इस हिसाब से 12 mm, 16 mm और 20 mm का सेम फार्मूला, डी स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 162. तो इस हिसाब से ये पूरा हम सब डायमीटर का वेट बार्स इन केजी निकाल सकते हैं पर रनिंग मीटर. इधर दिया हुआ है 6 mm के लिए 0.22 केजी पर मीटर, 8 mm के लिए 0.39 केजी पर मीटर, 10 mm के लिए 0.617 केजी पर मीटर, 12 mm के लिए 0.89 केजी पर मीटर, 16 mm के लिए 1.5 केजी पर मीटर, 20 mm के लिए 2.47 केजी पर मीटर, 25 mm के लिए 3.86 केजी पर मीटर, 32 mm के लिए 6.32 केजी पर मीटर, 40 mm के लिए 9.87 केजी पर मीटर. तो दोस्तों हमने देखा स्टील का यूनिट वेट निकालने का फॉर्मूला डी स्क्वायर बाय 162 कैसे निकालते हैं, और कुछ एग्जांपल भी देख लिए. दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए.
अगर पहली बार मेरा आप चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।